पार्टी अभी तक जो है अभी कोई भी उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, यह खेद का विषय है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हजारों बार कहा जा रहा है, देश में 65 करोड़ युवा, 70 करोड़ युवा, 65 करोड़ युवा, 70 करोड़ युवा, हर मंच से देश में विदेश में हजारों बार कहा गया है, लेकिन युवा के लिए काम कुछ नहीं किया गया है। नोटबंदी में लोगों को मार दिया गया, लाइन में खड़े होकर के वहां पे रिस्पांस कुछ नहीं मिला, काला धन विदेश से नहीं आ पाया। तो अभी हमारे वक्तागण काफी संख्या में है और अपने अपने विचार लोग रखेंगे। और मैं सब क्यों आयो जंतर मंतर, हम लोग पूरे देश को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी 340 आईएएस के पद बिना किसी आरक्षण, बिना किसी लाग लपेट के भर्ती कर दिए गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए और संविधानिक व्यवस्था को खत्म करके कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आप ये पता कर सकते, संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, 340 की जगह 200 या कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये खुल के बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते, आपने गलत किया है, ये नियुक्ति आपको रद्द करनी पड़ेगी। ना पिछड़े को ना अगड़े को कोई व्यवस्था नहीं, खुलेआम व्यवस्था चरमरा गई है, ये पद लेटरल व्यवस्था के माध्यम से भरे गए हैं। मुझे मालूम है, मैं उस सेवा को किया हूँ, मुझे मालूम है ये लेटरल व्यवस्था क्या होती है। लेटरल व्यवस्था उस समय के लिए थी जब शुरू में 1956 में कोई लोग नहीं मिलते थे, पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, तो उस समय यह था कि भारत सरकार यदि चाहेगी तो इस व्यवस्था के तहत वो जो है डायरेक्ट भर्ती कर सकती है योग्य लोगों की। हटाया तो अभी भी नहीं गया है, अभी भी नहीं हटाया गया है, लेकिन वो तो सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर है। नॉट एट ऑल आज इस देश के अंदर 20 करोड़ लोग बेरोजगार है और 10 लाख आदमी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठता है जिसमें मात्र 1000 पद है, 125 नौकरियों की एक सीमा है ना। आप कह रहे हो 20 करोड़ लोग बेरोजगार है और आप 16 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, तो 4 करोड़ तो हम ये कह रहे हैं, आप गलत समझे। मैं ये कह रहा हूँ, लिखा हुआ बैनर पे 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने के लिए, वो अलग चीज लिखी है, उसकी अलग बात है, सुनिए। वो तो ये कह रहे हैं इन जनरल के 16 करोड़ लोग देने की बात जो कह रहे हैं, इन्हें नौकरी दो, ये कह रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, लेटरल व्यवस्था के तहत बिना किसी रिटन टेस्ट, बिना इंटरव्यू, आपने 340 आईएएस के पद भरे हैं भारत सरकार में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी व्यवस्था है? संविधान का उल्लंघन नहीं है, आरक्षण का व्यवस्था कहाँ गया? अगर इसी तरह होगा तो आप मुझे बताइए, जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया संविधान में, जो आरक्षण है, एक चीज बताइए, जो आईएएस के जो पद आप कह रहे हो, आईएएस के पद तो नहीं, कर सचिव लेवल की जो जॉब बता रहे हो, आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस होता है, आईएएस होता है, ये जरूरी नहीं है। आपने ही अभी बताया कि 1956 के कानून के जरूरी नहीं है कि आईएएस जो, क्या बता रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हो आईएएस में से लिया जाए। एक मिनट, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिए। एक व्यवस्था थी क्या उन पे आईएएस का, लोग संघ लोक सेवा आयोग में एक व्यवस्था थी, यदि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया। लेकिन आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यवस्था में 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और 1000 का सिलेक्शन होता है, मतलब 10,000 में से। आप दूसरे विषय पे आते हैं, हम वकील साहब आप बताइए कि जातिगत आधार पर जो जनगणना की मांग कर रहे हैं, पूरे देश में ये मांग उठ रही है और लगातार ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज इस पर पुरजोर तरीके से रख रहा है बात, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह के नारे भी लगते हैं। क्या लगता है आपको कि ये बात मानेगी सरकार? देखिए, मैं बैजनाथ यादव, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी, मैं 819 दिन से डॉक्टर रामलाल लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए ही सत्याग्रह कर रहा हूँ। ये भूखा सत्याग्रह है 819 दिन से। आज जो ये मंच पे सभी हमारे संगठन के और सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गगन सिंह यादव जी भोपाल से आए हुए हैं, सबका जो समर्थन मिल रहा है मुझे, यह डॉक्टर रामलाल लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए ही है।
उन्होंने कहा था 1963 में। समाजवाद कहाँ खो गया सर? सुनिए 1963 में डॉक्टर रामलाल लोहिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फरुखाबाद से वो सांसद थे। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने कहा था संत सोपा ने बाधीघाट पिछड़े पावे 100 में 60। पिछड़ा वर्ग जो बहुसंख्यक है, इतने बड़े नेता और यही राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो बना है ना, हाँ। यही इलाज कराने के लिए तड़पते तड़पते उनकी मृत्यु हो गई। देखिए उस पर आप मत जाइए, उस पर आप मत जाइए। और आज समाजवादी नेता, सुनिए सुनिए, आज उनकी जो पीड़ा थी, हाँ। जो उनके दर्द थे, आज बैजनाथ यादव भूखा सत्याग्रह जो डॉक्टर रामलाल लोहिया जी लड़े, जो महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, आज देश गुलामी चला गया है, ये आर्थिक गुलामी आ गई है पूरे देश में। और इस गुलामी से निकलने के लिए झूठे समाजवादियों से आज इसे आज इस गुलामी से, यथार्थ गुलामी से, आज उधर आइए, यथार्थ गुलामी से। ये आदमी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आरएसएस का आदमी, कोई बात नहीं। आप किसके हो? अरे ये बात नहीं है, चाहे वो आरएसएस के, चाहे कोई पत्रकार के रूप में है, वो मीडिया के रूप में है यार, इसमें आरएसएस मीडिया सिर्फ मीडिया है, मीडिया सिर्फ मीडिया है, और चौथा स्तंभ है। मुझे चौथा स्तंभ पर पूरा ट्रस्ट है, और चौथा स्तंभ के बिना देश में जो संविधान को लागू करने की, संविधान को लेके आगे चलने की जो व्यवस्था है, वो बिना मीडिया के आगे संभव नहीं है। सभी मीडिया एक है, और मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग मोदी मीडिया को जो मोदी मीडिया गोदी मीडिया कहते हैं, आज मैं उस शब्द को मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला। आप लोग कई बार हमने कार्यक्रम किया, मैंने गोदी मीडिया का कभी नहीं कहा, क्योंकि ये मीडिया को किसी के पाले में बैठा देने से हमारे मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। मीडिया वो चीज है कि मीडिया के बल पे आज देश आजाद हुआ है, आज लाखों करोड़ों लोगों के मरने पर आज हम लोग यहाँ पे बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोलने की आजादी किसी को नहीं थी। आज मीडिया के दम है, मीडिया ने रात रात लोगों ने पेपर छपाया, रात रात लोगों ने बांटा, तब जाकर के ये संचार पैदा हुआ, जहाँ पे जो डिजिटल नहीं था, एक दूसरे तक संभव मीडिया माध्यम था। मैं मीडिया पे ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और मीडिया के माध्यम से 2024 से बात बड़ा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का। सरकार जिस तरीके से पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और सारी विपक्षी पार्टियां चुप हैं, उस पर कोई भी मुखरता से बात नहीं कर रहा। सशक्त समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया है, तो कहां तक ले जाएंगे आप इसे? कोई चुप है? पार्लियामेंट में 200 सांसद जो निकल करके दफ्ती लेकर के, वो जो 2% आज पार्लियामेंट मेंबर्स, क्या उनका काम हुआ पार्लियामेंट के बाहर दफ्ती लेकर चलने का? अंदर था पार्लियामेंट के अंदर बातें सुनी नहीं जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन गया है, पार्लियामेंट में रह गई है भारतीय जनता पार्टी, तनाशाही रही अपना करके देश में संविधान खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में किसी कीमत नहीं आने देंगे। तो देश के लोगों से मैं अपील करता हूँ, सभी संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी विपक्षियों से, सभी पीड़ितों से, सभी बेरोजगारों से, सभी किसानों से, आप लोग एक हो जाओ और 2024 से भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दो, क्योंकि आर्थिक गुलामी आ चुकी है। पार्लियामेंट में जिस संसद सत्र चलता है, तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता? कहां दिया जाए मैडम जी? जब वो कर रहे हैं जेपीसी की मांग करो, गठन करो, उनकी जांच कराओ, अदानी मुद्दे पर जेपीसी कमेटी को ठीक करो, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आज जो है 200 सांसद दफ्तियां लेकर के विजय चौक तक जा रहे हैं, यही लग गया। कह रहा है राहुल गांधी, कह रहा है मोदी जी हमसे डरा हुआ है, क्या आपको लग रहा है सही में डरा हुआ है? ऐसा हुआ ना, सारे विपक्ष को डरा है कि नहीं डरा है वो उनसे पूछिए। अब ये कह रहे हैं मैं तो भी विपक्ष में हूं, ये क्यों लागू नहीं करी आज तक उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, ये कैबिनेट में जा रही थी, क्यों रुकवा दी? यदि अति पिछड़ों को और आपके अत्यंत पिछड़ों को न्याय की व्यवस्था थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लागू क्यों किया? इस आरक्षण का 60 साल हो गए,
इस आरक्षण का 70 साल तो खैर नहीं 60 साल से ज्यादा हो गए और इस आरक्षण का उपयोग अब कम ज्यादा अब जातिगत लामबंदी हो रही है। इस पर सशक्त जातियां भी जैसे गुजरात की पटेल जाति बहुत सशक्त जातियां है वो भी इकट्ठा होती है सरकार पर दबाव डालती है, उन्हें भी ओबीसी में शामिल करने की मांग करती है। तो ये कहां जाएगा, कब तक आप मांगते रहेंगे, कब अपने पैरों पे खड़ा करना, बच्चा आरक्षण का उसे चलाने की कोशिश करो, कब देश में बदलाव आएगा, कब आरक्षण को छोड़ोगे। जिसकी 3000 साल से आपने चलाया है ये व्यवस्था 75 साल में खत्म नहीं हो सकती। जब तक संविधान की चीज को सर क्रीमिलेयर कहां ले दिया जाता है सर, क्रीमिलेयर आरक्षण बादस्तूर जारी रहेगा। क्रीमिलेयर कहां ले जाएंगे, आरक्षण का सारा हक तो वही लोग खा रहे हैं जिनको आरक्षण पहले मिल गया। क्रीमिलेयर है तो ओबीसी में, क्रीमिलेयर ओबीसी में है लेकिन एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। एससी एसटी वाले बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, रोटी खाने को नहीं मिल रही, उसमें कहाँ क्रीमिलेयर करोगे। अच्छा सर बात करें, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया को, मैं अकाली दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, नाम है मेरा। सबसे महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उम्र 14 साल के बाद रिहा कर देना चाहिए अगर आचरण सही है, लेकिन बंदी रिहाई की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इससे ज्वाला फूटेगी बड़ी जबरदस्त, क्योंकि सब पंजाब का हाल देख रहे हैं अभी, इस तरीके से अलगाव का आंदोलन चल रहा है वहाँ पे। इसीलिए है हाल ऐसा विस्फोटक कि ये बंदी रिहा नहीं कर रहे, किसी को 30 साल हो गए हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला देश का, हमने 90% कुर्बानी दी है आजादी में, ऐसे नहीं आजाद हो गया मुल्क। कौन से बंदी को रिहा कराना चाहते हैं आप? जगतार सिंह हवाला को नंबर एक। अच्छा, और दूसरे बाकी सब बताया आपको क्या आरोप है उनके ऊपर, क्या आरोप है बताइए, आप अपने मुंह से बताइए आप क्या आरोप है मुख्यमंत्री को मारने का। फिर ऐसे व्यक्तियों को क्यों, किसी और को आजाद कराने की बात करिए, क्या ऐसे व्यक्तियों को जो बम ब्लास्ट करे या लोगों को उड़ा दें या मार दें उनके लिए सिंपैथी जाग रही है, ये गलत बात है। पैदल चल के पैर चल के मर गए, मोदी को क्यों नहीं फांसी लगाते, कानून तो एक मारा कानून, प्रधानमंत्री ने लाखों लोग बिहार से जो मजदूरी करने गए थे कोरोना में, अपने घर नहीं जाने दी, नंगे पैर एक अपराध चल गए, एक अपराध महा अपराध करता है, दूसरा अपराध जस्टिफाई हो जाएगा। ये बताओ, आपने मुझे कहा था कि एक मिनट भाई, आपने मुझे कहा था कि आरक्षण आज भी 75 साल के बाद क्यों लागू है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आरक्षण का फायदा मिल रहा है सर राजनीति में पूरा, मैंने ये कहा प्रश्न को सही से, 60 साल हो गए या 70 साल हो गए आरक्षण को, बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल आरक्षण की अलग बात हुई थी और नौकरियों में आरक्षण की अलग बात हुई थी, पॉलिटिकल तो 10 साल के लिए बोला था, ठीक है बिल्कुल सही है, मैं सही कह रहा हूँ ना, गलत एग्री। और उन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षण सदा के लिए नहीं है, एक लिमिट तो बनाओ आप, क्या आरक्षण के नाम पर आप तो देख रहे हो आपके जनरल कोटे में भी आरक्षण घुस रहा है, हर किसी को आरक्षण चाहिए, काबिलियत कहाँ जाएगी सर, अब तक नहीं निकाल पाए। अब मैं बताता हूँ, आप आरक्षण को कोई बात नहीं है, लेकिन आज घोड़ी पर चलने में दिक्कत है, आज मुझे खाने में दिक्कत है, आज मटके से पानी पीने में दिक्कत है, और जब तक ये दिक्कत रहेगी आरक्षण बादस्तूर दिक्कत जारी रहेगा। दिक्कत क्यों सुनिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, 1991 में एक दलित घोड़ी पे चढ़कर जा रहा था, हाई कास्ट वालों ने जलने नहीं दी और 27 जाटों जिंदा चला दिए 1991 में, उस समय मैंने 5 लाशें खपराए और 3-3 रूटी कटवाने दी मुकाबले के लिए, हमको बलहीन के साथ है, कमजोर के साथ है, 91 में 5000 सिख बने, पनवारी के जो 27 जिंदा चला दिए, घोड़ी में नहीं चलने देते, क्या ये संविधान है बड़ा, सर लॉकडाउन के बारे में आप बात कर रहे थे कि बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया और बहुत सारा मुद्दा बहुत गंभीर है, देश की संस्थाएं धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रही है, ये मुद्दा काफी गंभीर है, इस पे क्या कहेंगे? यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सही कह रहे हैं आप कि जो निजीकरण है, निजीकरण जो है यह निराकरण नहीं है, कि देश के मजबूत संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाए और
सरकार के जो सिस्टम है, जो सरकार के जो स्तंभ है, उन सबको कमजोर करके यह निजीकरण के हाथों दिया जा रहा है, यह देश के लिए सही नहीं है। अब क्या लगता है, जैसे और पार्टियां हैं जिनमें परिवारवाद चल रहा है, समाजवादी पार्टी का नाम लगाकर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे अलग है उससे, वो उस धरने पे नहीं चलेगी, इसका क्या क्या गारंटी दे रहे हो आप, क्या कह रहे हो जनता को, वो मैं चाहता हूँ। देखिए, देश में संविधान में चार वर्ग है, सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है ना, सबकी काउंटिंग हो जाए और सबको बराबर की हिस्सेदारी मिल जाए, जो 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 जिनके जितने में है, जातिगत जनगणना है, जो जितने में है, जो जितने में है उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए, इससे जातिवाद नहीं फैलेगा, जातिवाद पे तो आरक्षण हुआ है, जातिवाद पे तो कमजोर किया गया लोगों को, समाज को, पहले जातिवाद आया तब आरक्षण आया, जातिवाद पे कमजोर किया जा रहा है और जातिवाद पे आरक्षण है। एक मिनट रुको, आपने 75 साल के जातिवादी उस पे आरक्षण पे तो सवाल उठा दिया, हाँ। आपने ये जानने की कोशिश की कि 1200 साल से सारे चारों शंकराचार्य एक ही जाति के बने, हाँ। मंदिरों में एक ही पुरोहित एक ही जाति के हैं, आज भी गटर साहब बाबा साहब ने क्या कहा था कि छोड़ दो ऐसा धर्म, पहले ऐसा धर्म छोड़ दो जिसमें आपको सम्मान ना हो जी, तो फिर आप नहीं नहीं दिक्कत क्या है फिर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं बार बार, आप सुनिए जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा कि डाइवर्ट कर धर्म छोड़ दीजिए, घर घर सुनिए, अब ये इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ ना, तो माइक यहाँ पे आवाज नहीं आएगी ना आपकी, ऐसा है सुधार होना चाहिए। अभी भदोही में जो सत्याग्रह है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने कहा था सरकारी अर्ध सरकारी निजी क्षेत्र मठ मंदिर पुजारी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सभी लाभ के जगह बैठे हैं, सब पर आरक्षण लागू होगा, सब जगह आरक्षण लागू होगा, सब जगह आरक्षण लागू होगा। आरक्षण होता कहाँ लागू है पहले ये बताइए आप, आरक्षण कौन कहाँ लागू होता है,